न्यूबॉर्न बेबी की मालिश किस तरह से करनी है, किस ऑयल से करनी है और कब कब नहलाना है, ओवरनाइट करनी है, दिन में करनी है और क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनकी वजह से बच्चा एक्टिव होगा, उसके जॉइंट्स, उसके मसल्स मजबूत होंगे, बच्चा अपने टाइम पर खेलना शुरू करे, मूव करना शुरू करे, बैठना शुरू करे, चीज़ों को पकड़ कर चलना शुरू करे, कौन सी ऐसी मसाजेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर होंगी। वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं अपने बेबी की जो मालिश है वो मस्टर्ड ऑयल से कर रही हूँ। विंटर में कोकोनट ऑयल से की थी, अब थोड़ा सा मौसम जो है वो बेटर है तो मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल सिंपल है और बच्चों को सूट भी करता है। तो सबसे पहले हम टांगों से जो है वो मालिश करना शुरू करेंगे। जिस भी एरिया से मसाज शुरू करना है आपने जॉइंट्स को जो है वो फोकस रखना है। इसी तरह जॉइंट्स को जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, लेग के जॉइंट को, फिर पाँव के जॉइंट को, एंकल्स को, अच्छी तरह से जो है वो सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम मसाज करेंगे। अगर समर सीजन है तो मसाज के बाद बच्चे को नहलाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे जो मदर्स हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि विंटर सीजन है तो हम बच्चों को मसाज के बाद नहलाएं या ना नहलाएं, या अगर नहलाना है तो कितनी देर बाद नहलाना है। इसका आंसर ये है कि अगर सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा तो आप बच्चों को मसाज के बाद मत नहलाएं। सेकेंड टाइम भी मसाज के ऊपर मसाज कर सकते हैं, लाइक आपने आज मसाज किया है तो उसके बाद अच्छी तरह बच्चे को फ्रेश करके, क्लीन करके, उसका ड्रेस चेंज करें, वाइप्स के साथ नेक वगैरह क्लीन करके, फेस क्लीन करके और उसके साथ जो है वो उसको ड्रेस वगैरह चेंज कर दें। नेक्स्ट डे आप फिर मसाज कर सकते हैं दोबारा से। दो दफ़ा मसाज करने के बाद जो है वो थर्ड डे आप बेबी को नहला सकते हैं। वीक में एक दफ़ा नहला सकते हैं सर्दियों में। और अगर आपके पास जो है वो कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट है, इन्वर्टर वगैरह चल रहा है, गर्म पानी है, तो आप दो दफ़ा भी नहला सकते हैं। धूप में जो सर्दियों की धूप है वो उसमें बच्चे को नहलाने के बाद जो है वो फ़ौरन मत लेटाएं। उसकी वजह ये है कि धूप तो होती है लेकिन उस धूप में ठंडी हवा भी होती है। सर्दियों की जो धूप है उसमें बच्चे को नहलाने के बाद नहीं लेटाना। नेक्स्ट डे आप जिस दिन बच्चा नहाया है उससे नेक्स्ट डे या दो तीन घंटे बाद आप उसको धूप में लिटा सकते हैं। अब चेस्ट मसाज करेंगे। इस तरह से आउटवर्ड पोजीशन में आपने चेस्ट मसाज करना है, जब भी करना है इनर पोजीशन में नहीं करना, आउटवर्ड में करना है। और इस तरह बाजुओं को कंप्लीट खोल के, बच्चे ने हाथ बहुत ज़ोर से बंद किए होते हैं तो बच्चों के हाथों को, बाजुओं को खोल के उस तरह इनका जो है मसाज करेंगे अंदर की तरफ, और चेस्ट का मसाज करेंगे आउटसाइड इस तरह से। मसाज करते करते आपने हाथों की जो फ्रंट साइड है उसको भी इस तरह से अच्छी तरह मसाज करना है। ये बच्चे ने हाथ बहुत ज़ोर से बंद किया होता है तो उसकी वजह से जो है वो उसके हैंड मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होते, उसको भी हमने रिलैक्स करना है मसाज से। और मसाज कुछ मदर्स कहती हैं हमारे बच्चे मसाज नहीं करवाते या वो बहुत रोते हैं, तो आप उनको स्टार्ट करवाएं, जैसे उनकी रूटीन बन जाएगी तो वो इस चीज़ को इन्जॉय करेंगे और मसाज भी करवाएंगे और रिजिस्ट नहीं करेंगे। जिन बच्चों की रूटीन नहीं होती वो बच्चे रोते हैं मसाज से, जब उनकी रूटीन बन जाएगी तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये मसाज रोज़ का। इस तरह साथ हम बेली मसाज करेंगे, ये भी पहले आउटवर्ड पोजीशन में राउंड राउंड, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। और बेली जो मसाज है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर बच्चे के पेट में गैस है या कोलिक है या कोई भी उसको डाइजेशन का इशू आ रहा है तो वो इस मसाज से जो है वो बच्चा गैस रिलीज़ करता है, उसकी डाइजेशन अच्छी होती है और कोई भी कोलिक वगैरह का इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मसाज करने के बाद ILU मसाज करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उल्टा ILU हमने टाइप करना है पेट पर इस तरह से ILU। ये ILU मसाज जो है इससे भी बच्चे के पेट में जो भी गैस है, जो भी कोलिक वगैरह का इशू है वो रिलीज हो जाता है और बेबी बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस करता है, बहुत रिलैक्स महसूस करता है। इसके बाद टू फिंगर्स के साथ इस तरह पेट को प्रेस करेंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी जो है वो सारे गैस और कोलिक वगैरह के इशूज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये तीन स्टेप्स आप अपने मसाज में ज़रूर ऐड करें, इससे क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। और अगर वो रो रहा है पेट में दर्द की वजह से या किसी भी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है और समटाइम हमें समझ नहीं लगती कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो ये मसाजेज आप कर दिया करें, उससे बेबी जो है ओवरऑल रिलैक्स हो जाता है।
हैंड्स का भी इस तरह डाउनवर्ड मसाज करेंगे बैक साइड से, और इसी तरह फुट का मसाज करेंगे बैक साइड से डाउनवर्ड पोजीशन में, और जब आपने फ्रंट से करना है तो अपवर्ड पोजीशन में करना है। ये मसल्स की जो है वो रिलैक्सेशन के लिए होते हैं सारे मसाजेस, तो इनको इसी स्टेप के साथ आपने करना है। अच्छा जी, अब हम बेबी को उल्टा लटा देंगे। कुछ मदर्स पूछती हैं मुझसे कि हम अपने बच्चे को उल्टा लटा सकते हैं, वो न्यू बॉर्न है, वो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है। इसका आंसर भी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। जब तक आपके बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है बेली बटन के साथ न्यू बॉर्न की, तो आप उसको उल्टा नहीं लटा सकते। उसकी वजह यह है कि वो हर्ट कर सकती है बच्चे को, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई जख्म हो सकता है। तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो रिमूव हो गई है, उसके बाद आप जैसे मर्जी बच्चे को उल्टा लटा कर मसाज करें, कोई इशू नहीं है। चाहे वो 1 वीक का है, 1 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, आप बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उल्टा लटाना, उसको इस तरह से बैक का मसाज करें डाउनवर्ड पोजीशन में, पैडल मसाज बोलते हैं इसको हाथों से, और साथ साथ बच्चे को थोड़ा दबाते रहें। सो द आंसर इज़ येस, आप उल्टा लटा सकते हैं बच्चे को, लेकिन कॉर्ड को रिमूव होने के बाद। टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, चाहे वो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 6 मंथ का है। तो इस तरह से फिर लेग्स की मसाज करेंगे, और ओवरऑल बच्चा जो है अगर बर्प नहीं कर रहा तो उसको जब उल्टा लटाएंगे तो वो बर्प भी करेगा, थोड़ा सा दूध भी बच्चा समटाइम निकाल देता है उल्टा लेटने के बाद, वो अच्छा होता है उसके लिए, बेनिफिशियल होता है, वो बच्चा रिलैक्स होता है उसके बाद। सो जब उल्टा लटाएंगे तो जो बच्चे के फुट की बैक साइड है वो आपकी तरफ होगी, तो आप उसका मसाज कर सकते हैं आराम से इस तरह से राउंड पोजिशन में, देन डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और हील्स का मसाज करें, बच्चों के एंकल्स का मसाज करें, छोटे छोटे जॉइंट्स जो हैं उनका मसाज करें, इससे बच्चे की बहुत अच्छी सेहत होती है, मूव करता है बच्चा, खेलता है, हाथ पांव हिलाता है। और अगर हम उसको मसाज नहीं करेंगे, उसको हर टाइम पैक करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे, बच्चे के हाथ पांव खुलेंगे नहीं, और वो अब टाइम से पहले जो है और अपने टाइम पर मूव नहीं करेगा, बल्कि कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं चलने में, बैठने में, वो यही इश्यूज होते हैं कि आपने अपने बच्चों का अच्छी तरह से मसाज नहीं किया होता, उनको टाइम नहीं दिया होता। सो अब सर का मसाज करेंगे और साथ ही साथ फोरहेड का मसाज इस तरह से करेंगे, बच्चे को उल्टा लटा कर बैक साइड तरफ आपने मसाज करना है। इससे बच्चे के जो फोरहेड की शेप है, हेड शेप भी बनेगी, फोरहेड शेप भी अच्छी बनेगी, और साथ ही साथ जो है वो बच्चे का मसाज भी हो जाएगा। और मसाज के सारे स्टेप्स फॉलो करने के साथ साथ अगर आपने बेबी का फेस का मसाज करना है तो उसके बाद फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी पर अगर ऑयल लगा रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप नहलाना मतलब नहीं भी नहला सकते, लेकिन अगर फेस पर जो है आपने मसाज किया है तो उसका जो फेस वॉश करवाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीम गर्म पानी करके और बेबी सोप के साथ या बेबी लिक्विड के साथ उसका फेस वॉश ज़रूर करवाएं। फेस पर ऑयल आपने नहीं रहने देना, फेस पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डल हो सकता है। सो फेस वॉश जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। सो मसाज जो हमारे बेबी का कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और बाकी भी तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं मसाजेस की, हर एज के लिहाज से मसाज, विंटर, समर, नहलाने का तरीका, हर चीज़ जो है वो छोटे बच्चों के लिहाज से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो भी मुझे फील होता है कि ये सबको मैंने शेयर करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए न्यू मॉम्स को, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर एक्सपीरियंस करने के बाद। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कमेंट्स करके कैसी लगी वीडियो, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। बेल बटन को आपने इसलिए प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।